नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की ब्यूरोक्रेसी और सियासत की थाह लेते इस खास एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। योगी सरकार के लिए पंचायत का चुनाव कई सबक और बवाल लेकर आया। सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े नाम थे, उनके गढ़ में कमल मुरझा गया, लेकिन इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और ना ही इसकी कोई समीक्षा। लेकिन ये जो परिणाम थे, इनकी गूंज दिल्ली ने जरूर सुनी। बीजेपी के जो मंत्री थे, उनके विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जिला पंचायत की एक भी सीट नहीं जीत पाई कई मंत्रियों के यहाँ। गोरखपुर का जो क्षेत्र है, उसमें करीब 62 विधानसभा सीटें हैं और उन 62 विधानसभा सीटों पर 44 विधायक बीजेपी के हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ तो इस इलाके से 4 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों वाले इलाके में जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार गई, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के इलाके में कमल बुरी तरह मुरझा गया। यह एक चेतावनी भी है और संकेत भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम एक एक कर विधानसभा पर नज़र डालें तो दारा सिंह चौहान और उपेंद्र तिवारी की विधानसभा में बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाई जिला पंचायत की। मंत्रियों के इलाके में परिणाम इतने खराब रहे कि अब वो बीजेपी को डरा रहे हैं। सूर प्रताप शाही की विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें 10 जिला पंचायत की सीटें थी, उसमें बीजेपी सिर्फ एक पे जीती। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के क्षेत्र में बीजेपी 10 में से 2 सीटें जीती। श्री राम चौहान, जो संत कबीर नगर से आते हैं, उनकी विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा 2 सीटों पर जीती। आनंद शुक्ला की विधानसभा सीट से बीजेपी 10 सीटों में से 2 सीटों पर जीती। तो जिस बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी जनता ने, उसको पंचायत चुनाव में क्यों मुंह की खानी पड़ी? इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अगर देखा जाए तो कोरोना काल रहा, जिसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया इलाज के अभाव में। ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है बीजेपी की हार का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो मंत्री हैं उसमें से अधिकांश ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपनी झोली भरने में भरोसा रखते हैं। कार्यकर्ता और नेता के लिए ना तो उनके पास समय है और ना उनकी मदद के लिए कोई भाव। बीजेपी एक ऐसे दौर में गुजर रही है जहां तमाम विरोधाभासी स्वर खड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नाम, उनके क्षेत्र में अगर कमल मुरझा जा रहा है तो फिर वो नाम किस काम के हैं? इसी इलाके से मुख्यमंत्री भी आते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से ये नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर पार्टी की ऐसी दशा क्यों हुई, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बात पता है, वो पूछताछ कर रहा है। तो जो शून्य से शिखर की ओर गए थे, उन्हें शिखर से वापस शून्य की में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं कि बुलंदी बहुत देर तक हर किसी के नसीब में नहीं रहती है, और अगर आप चूके तो सीधे नीचे आएंगे। और ऊंचाई पर होने का गुमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भ्रम में रहते हैं उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। तो जिला पंचायत का चुनाव विधानसभा का एक सेमीफाइनल था। यूपी में पुलिस कई बार ऐसे बड़े बड़े काम कर जाती है जिसके सामने बड़े बड़े आदर्शवादी नेता और अफसर फीके पड़ जाते हैं। हालांकि पुलिस की छवि वसूली की, लोगों को सताने की, मारपीट करने की है, लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी हैं जो अलग पदचिन्ह बना रहे हैं। आज बात हो रही बदायूं जिले में तैनात स्टेट कैडर के एक अफसर की, अनिरुद्ध सिंह, जो सीओ के पद पर बदायूं में तैनात है।
पुलिस महकमे में क्षेत्राधिकारी का पद कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता, उससे कोई बहुत बड़े चमत्कार की भी उम्मीद नहीं कर सकते आप। लेकिन इस खबर को लेने के पीछे कई ऐसे कारण हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में भी आएंगे और संवेदनाओं को भी झकझोरेंगे। सबसे पहली बात अगर हम करें तो पुलिस की वर्दी में अनिरुद्ध सिंह नाम का यह अफसर सब इंस्पेक्टर पद से विभाग में तैनात हुआ, प्रमोशन से वो आज सीओ स्तर तक पहुंच गए हैं। वर्दी वो जो पहने हुए हैं उनकी सीओ के रूप में नौकरी भले छोटी हो लेकिन उनके कारनामे बड़े हैं। बदायूं में कादर चौक इलाका है, यह इलाका कच्ची शराब के लिए मशहूर था, शराब का धंधा लगभग घर घर में होता था। लेकिन सीओ अनिरुद्ध सिंह ने अपने मित्रों के सहयोग से, सामाजिक सहयोग से यहाँ एक परिवर्तन लाने की कोशिश की। अब ये कादर चौक जो इलाका है ये शराब मुक्त इलाका बन चुका है। कैसे? जो बच्चे पढ़ने लायक थे उनका स्कूलों में दाखिला कराया गया, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए उनको सिलाई मशीन दी गई, बच्चों के कापी किताब फीस की जुगाड़ किया गया और रोजगार के कुछ नए अवसर तलाशे गए। किसी को साइकिल दी गई, किसी को ट्राई साइकिल बांटी गई कि लोग कुछ कर सकें। इसके आगे और बढ़ें तो पुलिस की वर्दी में एक क्षेत्राधिकारी गरीबों और कमजोरों के लिए दिल भी रखता है। कैसे? पुलिस के एक सिपाही की कोरोना काल में मृत्यु हुई, उसकी मौत पर अंतरात्मा से महसूस करते हुए कुछ फंड इकट्ठा करके सिपाही के परिजनों को अनिरुद्ध सिंह ने दिया। एक सराहनीय काम था। इतना ही नहीं, जिले के एक स्थानीय पत्रकार की कोरोना से मौत हुई, उनके परिजनों को भी अनिरुद्ध सिंह ने आर्थिक मदद दी। तो कोरोना काल में पुलिस का यह एक चेहरा ऐसा बनकर उभरा जो प्रदेश में और लोगों की निगाहों से दूर है। लेकिन ये यही नहीं रुका, थोड़ा और आगे बढ़ें तो अनिरुद्ध सिंह ने जो सर्वश्रेष्ठ काम किया उस पर आपकी नज़र जाए। इस पुलिस अधिकारी ने एक ऐसी पुलिस चौकी है उघौती, जहां पर जिसे अस्पताल में तब्दील कर दिया। वहां पर आप मरीज को भी एडमिट कर सकते थे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी पा सकते थे। जब एक एक बूंद ऑक्सीजन के लिए, एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे थे, तब पुलिस चौकी अस्पताल बन जाए, लोगों को सिलेंडर मिलने लगे और वहां पर बेड की व्यवस्था हो जाए, तो यह काम किसी चमत्कार से कम नहीं मानना चाहिए। जालौन के रहने वाले हैं अनिरुद्ध सिंह, साधारण से परिवार में पैदा हुए हैं, पिता किसान हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रदेश में एक बड़ा नाम किया है। अपने काम से वो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं और उनकी खेलों में भी काफ़ी रुचि है। ग्रामीण इलाकों में जब जाते हैं तो बच्चों के साथ वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। उनकी तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि वो किसी फिल्मी हीरो की तरह हैं। हालांकि पुलिस की नौकरी में अनुशासन के साथ जनमानस की सेवा करने का ये एक ऐसा उदाहरण है जो प्रयोग में लाया जाए तो लाखों करोड़ों लोगों को मदद कर सकता है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इतना संकल्प के साथ, इतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाते हैं, तो ऐसे पुलिस अफसर हमारे समाज के लिए अनुकरणीय हैं। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों को जिले की कप्तानी पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। वह जुगाड़ लगाते हैं, तमाम सिफारिशें करवाते हैं और कई बार काफ़ी माल मत्ता भी खर्च करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक अचानक से नया किस्सा आ गया है कि यूपी के कई जिलों के पुलिस कप्तान ऐसे हैं जो जिलों में अब अपने पद पर नहीं रहना चाहते, वो साइड में पोस्टिंग चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिले का एसपी के बजाय वो चाहते हैं कहीं साइड में चला जाए। इसके पीछे कुछ लॉजिक है। एक तो ये है कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है और सत्ताधारी दल
जब चुनाव लड़ता है तो प्रेशर तो रहता ही है। दूसरा, कुछ लोगों के स्वास्थ्य संबंधी भी कारण हैं। तीसरा, कुछ पुलिस कप्तान ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि अब चुनाव 6 महीना बचा है, थोड़ा देखभाल लिया जाए कि हवा किसकी है, उस हिसाब से भी फिर अगली पाली खेली जाएगी। सरकार से अनुरोध करने वाले ज़्यादातर ये अफसर डायरेक्ट हैं, सीधे आईपीएस हैं, कुछ स्टेट कैडर से प्रमोटेड अफसर भी हैं। सबसे पहले हम आपके सामने बात लाएंगे प्रतापगढ़ के एसपी आकाश तोमर की, उसके बाद जौनपुर के एसपी राजकरण नैयर की, वाराणसी ग्रामीण जो एक नया जिला बना है वहाँ के एसपी अमित वर्मा, अमरोहा की एसपी सुनीति, बुलंदशहर के एसपी संतोष कुमार सिंह, ऐसे कई सारे नाम हैं जो विभिन्न कारणों से अपने पद पर नहीं रहना चाहते। तो जिलों की कप्तानी तो बड़ी मलाईदार और बड़ी ताकतवर और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर कोई अफसर जिले की कुर्सी छोड़कर साइड में जाने की गुहार लगाने लगे, पत्र लिखने लगे, कोशिश करने लगे, सिफारिश करने लगे, तो बड़ी हैरत होती है कि जिला पंचायत के चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रेशर होता है उसमें ये अधिकारी उलझना नहीं चाहते। एक तो बीजेपी को चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, उनके पास मेंबर कम है और उनका अध्यक्ष जितवाना है, तो फिर एसपी साहब का डंडा जरूरी है और डीएम और एसपी दोनों के लिए यह परीक्षा की घड़ी की तरह हो जाता है। अब इस घड़ी में, इस दलदल में, इस बवाल में कौन पड़े, इससे अच्छा है कि कुछ लोग किनारे हो जाना चाहते हैं। आकाश तोमर प्रतापगढ़ जब से गए तब से उनका मन नहीं लग रहा है, वो छुट्टी पर भी हैं और वो चाहते हैं कि प्रतापगढ़ जैसे बवाली जिले से उनको मुक्ति मिल जाए। इसी तरह से राजकरण नैयर भी चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले पहले सरकार उनको हटा दे और इस विवाद से वो अपने आप को किनारे रखें। वाराणसी के एसपी अमित वर्मा ने भी अनुरोध किया है। अमरोहा की एसपी सुनीति ने स्वास्थ्य कारणों से अपना नाम जिले से हटाकर साइड पोस्टिंग के लिए चलाया है। बुलंदशहर में भी संतोष कुमार सिंह काफ़ी लंबे समय से वहाँ तैनात हैं, अब उनके सामने भी कुछ चुनौतियाँ होंगी चुनाव की, तो स्वाभाविक है कि ये अफसर अब चाहते हैं कि उनको किनारे कर दिया जाए। एक पिक्चर आई थी कि अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसी ही कहावत चरितार्थ हो रही है कि कुछ लोग रात में जब सोते हैं तो अचानक से उनके हाथ में दिया आ जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण विभाग मिल जाता है और कुछ लोगों का दिया बुझ जाता है। और कहा जाए तो ब्यूरोक्रेसी एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है जिसमें कुछ लोग अचानक चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन 99 पे पहुंचते ही उन्हें सांप डस लेता है और फिर वो वापस 0 पर आ जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ब्यूरोक्रेसी के कुछ ऐसे नामों पर जो अचानक से सीढ़ी के सहारे उठकर सीधे 100 पर पहुंच गए और कुछ ऐसे जो 99 पे पहुंचे और सांप ने काट लिया, नीचे आ गए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में मनोज कुमार सिंह किनारे पड़े हुए थे, उन्हें उद्यान जैसे महत्वहीन विभाग का एसीएस बना के रखा गया था, लेकिन अचानक से उनके सितारे बुलंद हुए, वो वन और पर्यावरण जैसे मंत्रालय में पहुंच गए। इसी तरह से रविंद्र नायक को खूब भारी भरकम महकमा समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण का प्रमुख सचिव बनाया गया। इन दोनों अफसरों के हाथ में तो दिया लग गया, लेकिन रामी रेड्डी जो सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव थे, बहुत मलाईदार, बहुत बड़ा विभाग था, उनको वहाँ से हटा के संट कर दिया गया। वन और पर्यावरण के पूर्व प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग को भी दुग्ध विकास में भेज दिया गया, वो उससे कम महत्व का महकमा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएल मीणा जैसे अफसरों की इम्पोर्टेंस लगातार बनी हुई है, वो जहाँ जाते हैं 4-6 महीना टिकते हैं, मंत्रियों से खटपट हो जाती है, लेकिन वो अपनी स्टाइल नहीं बदलते और फिर उनका विभाग बदल जाता है।
लेकिन उनके महत्व में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे मंत्रालयों के बावजूद उनको फिर से कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा महकमा दिया गया है। इन जो अफसरों को हटाया गया, इसके पीछे क्या कारण था और जिन्हें किनारे कर रखा था सरकार ने, उन्हें किस मजबूरी में फिर उनको कुर्सी पर बिठाना पड़ा, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि बीएल मीणा जब से समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के प्रमुख सचिव बने थे, उनके दोनों मंत्री उनसे बड़ा परेशान थे, रमापति शास्त्री और नंदगोपाल गुप्ता नंदी। वो दोनों अपने प्रमुख सचिव को हटवाना चाह रहे थे। इसके अलावा सहकारिता विभाग के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और अपर मुख्य सचिव रामी रेड्डी के बीच तालमेल का अभाव था और मंत्री चाहकर भी प्रमुख सचिव को कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में जब इन तबादलों पर गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि मंत्रियों की इन तबादलों में बात मानी गई है और उनको अपने जो प्रमुख सचिवों से समस्या थी वो निपट गई। दारा सिंह चौहान की सुधीर गर्ग से ठीक ठाक बनती थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर ना बन पाई हो। अब ऐसे में मनोज सिंह जो सबको साथ लेकर चलते हैं, उनसे मंत्री भी खुश रहेंगे, ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी। रविंद्र नायक जो अभी तक ग्राम विकास के आयुक्त थे, पहली बार उनको शासन में फुल फ्लैज रूप में प्रमुख सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला। ये दोनों अफसर मंत्रियों को खूब भाएंगे। सियासत ऐसी चीज है कि वह राजा को रंक एक पल में बना सकती है और फकीर को भी राजा बनाने में उसे देर नहीं लगती। अगर यूपी की सियासत पर नज़र डालें तो तमाम सारे कयासों का दौर चल रहा है। इसी बीच दिल्ली में सहयोगी दलों की भी अहमियत बढ़ गई है। इतना तो तय है कि भाजपा का आला कमान अब उत्तर प्रदेश पर नज़र गड़ाए है। यूपी के चुनाव का शोर मच गया है और यूपी के भविष्य को लेकर आला कमान की नज़र अब दिल्ली से लगातार पूरे प्रदेश पर टिकी रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री तमाम अफवाहों के बीच दिल्ली गए, बीजेपी की शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो लौट आए। तमाम कयास चलते रहे मुलाकातों में, क्या हुआ, क्या तय हुआ, कब तक बात बनेगी, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अभी सबसे पर्दा नहीं उठ पाया। बात यह आई कि पंचायत चुनाव के परिणामों ने यूपी के मौसम बदला और उसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व को समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सियासी दलों की अहमियत भी बढ़ी क्योंकि अब उनकी जरूरत है। इसी बीच अनुप्रिया पटेल गृह मंत्री से मिली और उनके सम्मान को लेकर कई सारी बातें चर्चा निकली कि मंत्रिमंडल केंद्र में और यूपी में और तमाम पदों पर उनको महत्व दिया जाए। निषाद पार्टी भी इसी में आई, उसका भी नाम आया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कतई मानने को तैयार नहीं। वो ये मान चुके हैं कि अब वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, उनको धोखा हुआ। होना भी चाहिए क्योंकि भाई उनके लड़के की शादी थी, उनकी सड़क घर की तक नहीं बनने दी इन लोगों ने, खुद फावड़ा चलाकर मट्टी पार्टी उन्होंने, तब जाके बारात निकल पाई। तो भाई दर्द तो है, अपमान तो हुआ है। अब यही बात और सहयोगी दल किस रूप में समझते हैं। ये जरूर है कि जब बहुमत की सरकारें होती हैं तो उसमें विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, संगठन की उपेक्षा होती है, क्योंकि वो ये पता होता है सरकार चलाने वालों को कि दो चार आवाज़ें उठने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में अगर सहयोगी दल उपेक्षित हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि बहुमत बहुत बड़ा है। कई सारे कयास लगे और दिल्ली यात्रा से कई परिणामों के निकलने की उम्मीद थी, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। अब उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में बीजेपी में
तालमेल का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाए। अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री के विशेष दूत हैं, MLC हैं, उनको किस तरह से एडजस्टमेंट दिया जाएगा, उनका सम्मान कैसे होगा, इस पर भी कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन योगी दिल्ली से एक विजेता की तरह लौटे हैं और उनको ये भी मैसेज है कि सबको सम्मान देकर, उनका ध्यान रखकर, सबको साथ लेकर चलना भी है और वो इस कोशिश में लग भी गए हैं। इसके परिणाम भी आने वाले हैं होंगे। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो ये कहता है कि योगी पहले भी सुरक्षित थे, अब भी वो सुरक्षित हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की एक सीख दी थी। आज फिर इतिहास उसी मोड़ पर आया है और आज के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबको साथ लेकर चलने की सीख दी है। तो BJP की सियासत को तमाम एंगल से लोग देखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि योगी के साथ संघ मजबूती से खड़ा है और 4.5 साल की सरकार में उनका बेदाग रहना उनके दावे को और मजबूत करता है। तो यूपी की सियासत में पल पल बदलते मौसम पर जो हमसे कयास लग सकता था, जो हमारी जानकारी थी वो हमने आपको बताई। अगले सप्ताह इस एपिसोड में कुछ और रोचक खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।